लखनऊ से बड़ी खबर, बेखौफ बदमाशों ने गर्दन पर चाकू की नोक रख कर दिया लूट को अंजाम। पुलिस ने लूट की घटना को दरकिनार कर चोरी का मुकदमा दर्ज करने की फिराक में। नगराम थाना क्षेत्र के हयात नगर में बीती देर रात घर में घुसे बेखौफ बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। घर में सो रहे पिता के हाथ पैर बांध बेटे के गर्दन पर चाकू रख बदमाशों ने घर में की लूटपाट। घर के अंदर जमीन में गाड़ कर रखे गए जेवरात समेत नकदी उड़ाई। पीड़ित की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, लूट की घटना को चोरी में कर रही तब्दील। मामले की जांच पड़ताल जारी। क्या नाम हुई आपका? केदारनाथ। कैसे घटना हुई आपके यहाँ? हम सो रहे थे तो वो सो रहे रहन तो वो अंदर कमरे में रहे, अब जो लोग रहे हुए मतलब, तो हम जब हमको आवाज़ थोड़ी मिली तो हम उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठे तो दो लोग निकल के आए, हमका पकड़ लिए, पकड़े रहे तो हमसे पूछिन कि कहाँ है पैसा, कहाँ है तुम्हारा, तो हम कहें पैसा है नहीं, कहीं जेवर कहाँ है, हम कहें नहीं है, तो चाकू के बेटी मारिन जो बड़ा वाला चाकू है तो के बेटी आया ही अपनी हमारी न है। उसकी बाद में पकड़ लीन हमका, पकड़ के हमाम मुँह बांध दी, हाथ पैर बांध दी, और इनके सनी कहन कि जब हमसे कहन कि बताओ कहाँ, तो हम सोचें कि ऐसी बाहर निकाल के ले हियाँ बताई, तो आगे निकाल के जब लेके आए तो खोदिन, खोदे के बाद में अत्ता कहीं गई हियाँ टाइट मिट्टी है, ये झूठ बोल रहा। फिर सनी के चाकू गले पर रख दीन तो कहीं अब खींच दे अब, और ने साँझ साँझ बता दियो हमसे कहाँ है, तो हम बता दी ना कि हियाँ गाड़ी हवे, सनी ने चाकू मारियो हियाँ है, हुआ खोद लीन, बस लेके एक लोग दीवार तड़क के वही पार नहीं करा, और दो लोग हमका पकड़े रहे, पकड़ के अंदर जब कमरा में ढकेल दीन तब बाहर से जंजीर बंद कर ली। क्या क्या सामान गया है? पायल रही, पायल और बिछिया, झुमकी, हार, बक्सम रहा है, पायजेब और मांग बेंदी और कमर के करधनी, पाजेब अति मतलब गाड़ी रहा है, अति सामान। नगद भी रहे कुछ? नगद 6,000 रहे। ठीक, सूचना दिए, पुलिस आई मौके? हाँ पुलिस आई।